परिया की इस वक्त रामपुर कारखाना विधानसभा सीट पर लड़ाई बहुत टक्कर की है, क्योंकि यहां से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर गजला यहां से चुनाव लड़ रही हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि लगातार इस लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है, जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है और जहां भी वो जा रही हैं वहां पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके जितने भी वोटर हैं वो इनके सपोर्ट में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त गजला लारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहां पर वो जनसभा करने आई थी और उससे थोड़ी देर पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर भी इनके लिए वोट मांगने आए हुए थे। गजला लारी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, प्राइम टीवी में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस विधानसभा की बात अगर करी जाए तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं और रणनीति क्या बनाई गई है आप लोगों की तरफ से, क्योंकि देखने को मिल रहा है, मैंने सुबह से देखा हुआ है कि कई जगहों पर आपके जो वोटर हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है वो आपका नाम ले रही है, तो कितना इफेक्ट इस बार इस विधानसभा चुनाव में नतीजों पर होने वाला है? देखिए, हम लोगों ने जो 2012 से 17 तक में जो काम किया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये जहां आप खड़े हैं ये 32 टोले का एक गांव हुआ करता था, इसको हम लोगों ने टाउन एरिया बनाने का काम किया ताकि सुचारू रूप से 3200 टोले में विकास का कार्य हो सके। तो जनता को मेरे ऊपर विश्वास है, वो थोड़ी से वोटों से हम इलेक्शन हार गए जो कि अंदाज़ा नहीं था किसी को। और आज जो आप कह रहे हैं कि जनता में दिखाई दे रहा है, तो जनता मतलब इलेक्शन मैं नहीं लड़ रही, इलेक्शन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे नेता लड़ रहे हैं और एक एक यहाँ के लोग हमारे एक समर्थक गजाला लारी बंद करके सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास चाहिए, उन्हें विश्वास है हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पर कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, भर्ती निकलेगी, उन्हें नौकरी मिलेगी। हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी जो बूढ़ी माताएं हैं, तो उनको जो है पेंशन मिलेगा 1500 रुपये महीने का, उन्हें इस बात का विश्वास है, इसलिए लोग सड़कों पर हैं और ये चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। कई सारे संकल्पों के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया था और मैनिफेस्टो में साफ तौर पर जो गांव है, जो गरीब है, जो किसान है, जो रोजगार की बात है, इन सारे मुद्दों को उठाया गया था। अगर देवरिया की बात की जाए तो बीते 5 साल में, क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार इस बात को कहती आई है कि किसान हमसे खुश है, रोजगार हमने दिया है, बेरोजगार हमसे खुश है, कोई बेरोजगार नहीं बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये सारी बातें बीजेपी कह रही है, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा जो मैनिफेस्टो दोनों का है और उसके बाद अगर जीतने के बाद अगर पूछा जाए तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे और उसके अलावा बीते 5 साल में देवरिया का विकास कैसे होगा? ये मैनिफेस्टो जो है घोषणा पत्र नहीं है, ये वचन पत्र है। अब सबको मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं। पिछली बार जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसके मुताबिक उससे ज्यादा काम कराया गया, अब घोषणा पत्र कैसे काम कराया गया था और आज जो हम लोग इस उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में, तो सबको पता है कि जो घोषणा पत्र में जो वचन पत्र है महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, और जो योगी जी कह रहे हैं कि हमने सबको नौकरी दे दी है, अभी आप मंच पर चढ़िएगा और हाथ उठवा लीजिएगा कि कौन कितने लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो आपको सारे हाथ उठते नजर आएंगे जितने युवा लड़के जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। तो ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, हमेशा झूठ बोल करके इन लोगों ने राजनीति किया है और वोट लेने का काम किया, इन्होंने वोटर्स को भरमाया है और इन्होंने नफरत बांटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया है। इन्होंने कभी भी जो है जाति पाति और ऊंचा नीचा दिखा करके लोगों को भरमाया है, धर्म के नाम पे राजनीति किया है, तो उन्होंने कभी किसी का विकास नहीं किया, कोई तरक्की नहीं की है। और अभी जो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे बरियारपुर में, इतना ज्यादा सड़कों का हालत अभी भी यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, खराब है। कुसमौनी चले जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, और अभी कुसमौनी से के मतलब यहाँ से पहले पड़ेगा बैकुंठपुर, तो बैकुंठपुर में एक सड़क बनी है अभी जल्दीबाजी में आनंद फानंद, वो पतली सी रोड बना दी 3 मीटर की, अगर कोई बाइक खड़ा कर दे तो गाड़ी निकल ही नहीं सकती। तो ये हालात हैं, ये लोग दिखावे का काम कर रहे हैं, काम बुनियादी तौर पे इनका कुछ भी नहीं है। तो बात करी जाए मौजूदा सरकार की, क्योंकि मौजूदा सरकार अभी भी उत्तर प्रदेश चुनाव को कहीं ना कहीं वो एक बात सबसे ज्यादा उठा रहे हैं, वो है अयोध्या, उसके अलावा मथुरा, इस
तरफ तो लोगों को उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमने काशी में बहुत बेहतर काम कर दिया, और कई सारी रैलियों में मैं गया हूँ, मैं पूरा यूपी घूम रहा हूँ, कई सारी रैलियों में गया हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अभी भी हिंदू मुस्लिम का जो प्रेम है बीजेपी चलाने की कोशिश कर रही है, कितना सफल होगा ये। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से बताते हैं प्रियंका गांधी ने महिलाओं के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ने को कहा है, 40% महिला कैंडिडेट भी उतारे गए हैं, क्या इन दोनों पार्टियों का कोई भी पावर दिखाई दे रहा है इस बार? कांग्रेस को तो छोड़ दीजिए, उनका कुछ नहीं है, कुछ भी कर नहीं पा रहे, कुछ अभी कर पा रहे, सोच तो ठीक है महिलाओं को 40% का मौका दिया लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। सवाल ये है कि जो ये बार बार जो बातें कर रहे हैं, बार बार जो ये बातें कर रहे हैं कि हम मंदिर के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, ये बताइए नौकरी के मुद्दे को क्यों नहीं ले आते, बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा क्यों नहीं लाते, हॉस्पिटल नया बनाने का मुद्दा क्यों नहीं लाते, अच्छी सड़कें बनाने का मुद्दा क्यों नहीं लाते, और जो हमारी बहनें हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है उन बहनों को उन बहनों के साथ न्याय क्यों नहीं दे पा रहे हैं? खुशी दूधे का क्या हुआ, उनको न्याय मिला क्या? 2 साल से वो बच्ची जेल में है, जब उसकी शादी 6 दिन की दुल्हन थी उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। सवाल आपसे है, इस विधानसभा का, इस विधानसभा में अगर देखा जाए तो कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं, क्योंकि सड़कों की बात हो गई, पानी के ड्रेनेज की बात हो गई, इसके अलावा अगर किसानों की बात अगर करी जाए तो किसान कहा यह जा रहा है कि रात भर किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा है, लेकिन बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं, बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, किसान हमारे साथ है, किसान हमसे खुश है, और पश्चिम में देखा भी गया कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किसानों की नाराजगी थी, अब पूरब में, क्योंकि पूरब से ही आप भी हैं, यहाँ चुनाव आप लड़ रही हैं, पूरब में बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो लगातार आए दिन यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे अमित शाह हो गए, चाहे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे मुख्यमंत्री हो गए, ये लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं, किनको मनाने का प्रयास है इनका? अगर किसान नाराज नहीं है, युवा नाराज नहीं है, बेरोजगार नाराज नहीं है, तो किसे मनाया जा रहा है? ये जो आ रहे हैं ये सिर्फ धर्म का जो है और जाति का लेकर के मुद्दा आ रहे हैं, इनके पास दूसरे कोई मुद्दे नहीं है कि वो उस बिना पर लोगों से वोट मांग सके। अभी इन्होंने क्या किया है कि यहाँ के जो विधायक जी थे उनका चेहरा उन्होंने बदल दिया, दूसरे चेहरे को यहाँ उतारा है तो ये वही बीजेपी, चेहरे इन्होंने बदल दिए ताकि लोगों का गुस्सा ना रहे, और दूसरी चीज की जो ये नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, अब जनता इन सब चीजों से उबर चुकी है, उसे कोई मतलब नहीं है कि आप हिंदू या मुसलमान करें, लोगों को क्या चाहिए कि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो, महिलाओं को काम मिले, उनका स्वास्थ्य सही हो, सही से ढंग से खाना मिले, गैस आसानी से मिले, बिजली मिले, पानी मिले और सड़क सही हो, ये जो कि जनता का हक है, उन्हें ये हक मिलना चाहिए, और ये लोग इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, लगातार हमारी बेटियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी कहीं सुरक्षा नहीं है। आप देखिए दलित की बेटी हाथरस की, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, और जब नाइंसाफी, जब इंसाफ के लिए आवाज उठाई जाती है तो वो लोग क्या करते हैं कि खेत में उसकी वो पेट्रोल छिड़क के उसकी अंत्येष्टि करते हैं। ये ना कोई विधि है, ना कोई विधान है, ये किसी चीज को नहीं मानते। करोना को आप कैसे भूल सकते हैं? करोना एक ऐसा हुआ है कि जितने मेरे यहाँ पे लोग खड़े हैं भाई, कोई ना कोई उनका अजीज इस करोना के चपेट में आया होगा, जरूर उस दुनिया से रुखसत हुआ होगा, और उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में चले गए इस दुनिया से, इसको कैसे कोई भूल सकता है? और उसके बाद योगी जी आकर कहते हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की डेथ नहीं हुई, क्या है ये, कैसा झूठ बोल रहे हैं? वही आप साफ दिखा रहे हैं, टीवी पर दिख रहा है, और वही आकर आप कह रहे हैं कि किसी की डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन के अभाव में, तो इतना झूठे मुख्यमंत्री, ऐसे ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री क्यों चाहिए हमें? हमें हमारे यहाँ जो जनता को, पब्लिक को नहीं चाहिए ऐसे, पब्लिक को चाहिए पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, विजन वाला जो इंजीनियर हो, वो है अखिलेश यादव जी, जो कि लोगों को चाहिए, पहली पसंद अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी है लोग। नतीजे क्या होंगे मैडम, सबसे आखिरी सवाल मेरा, नतीजे क्या होंगे इस बार, क्योंकि बीजेपी कह रही है हम एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे 325 वाला अपना, समाजवादी पार्टी के नतीजे क्या होने वाले हैं और इस विधानसभा की जनता से क्या अपील है? देखिए रिकॉर्ड तो टूटेगा लेकिन बीजेपी का नहीं, समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड टूटेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग चुनकर, अभी आप देखें कि रुझान आप ही ने दिखाया था कि पश्चिम से चला है जो रुझान, अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है, आगे जा रहा है, और इसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ करते हुए आप ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, औरों की तो बात छोड़ दी, लेकिन सबके अपने अजीज बाहर हैं, पश्चिम में भी हैं,
और वहाँ से जो आवाज़ आती है, जो रुझान, जो हवा आती है, वो यही आ रही है कि समाजवादी पार्टी सारी जगहों पर जीत रही है और उनके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े हैं, और इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत अच्छा वोट पड़ेगा और सब लोग जीतेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, धन्यवाद मैडम बात करने के लिए। तो ये थी गजाना लारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जाते हैं, और इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने ये चुनाव लड़ रहे हैं रामपुर कारखाना विधानसभा, कोई भी काम बीते 5 साल में नहीं की बात हो या कोई भी बात हो, तो ऐसे में ये देखना होगा कि इस विधानसभा की जो लड़ाई है वो कितनी अहम है और नतीजे किसके फेवर में जाते हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ।